गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। यू नो दैट इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास। If the total measure of the quantity of the object remain unchanged, then the mass of that object remain constant at all positions. Mostly we measure an object on the basis of its mass. For example, 2 kg of rice, 1 kg of pulses, 3 kg of sugar, etc. If we take 2 kg mass of rice to the moon, we will find that the mass of rice will remain 2 kg on moon as well. The SI unit of mass is kilogram. केजी। व्हाट इज मास? मास क्या होता है? मास इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मास, जैसे कि हमने दुकान में जाके 2 किलो शक्कर लाई, या दुकान से 2 किलो शक्कर, या 2 किलो चावल, या 2 किलो 1 किलो दाल, ऐसे कुछ आपने लाया है, तो उसका मास आप अपने घर में वे करोगे तब भी 2 kg आएगा, उसको और कहीं दूसरी जगह जाके वे करोगे तब भी वो कितना ही रहेगा, 2 kg। दैट इज़ द एक्चुअल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। नाउ व्हाट इज वेट? द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है एक्चुअली? ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ, ऐसा फोर्स जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? वेट। और इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन। वी नो दैट अर्थ एग्जर्ट अ फोर्स एम जी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम के जी। हमें पता है कि न्यूटन के लॉ ने हमें बताया था फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए इसको यहाँ पे हमने जी से मेंशन किया है। स्मॉल जी रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम उसका वेट कैसे निकालेंगे? वी नो दैट अर्थ एग्जर्ट अ फोर्स, कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है? एम जी, इतना फोर्स एग्जर्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। व्हाट इज एम हियर? एम इज द एक्चुअल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हैविंग एम के जी मास विल बी गिवन एम जी ऑन दैट पर्टिकुलर पोजिशन ऑन अर्थ। तो वेट आपको निकालना है तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी से, क्योंकि उस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और वी कैन से दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड दैट वी हैव टू कंसिडर व्हाइल कैलकुलेटिंग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Do you think weight of an object will be same at all positions? Will the weight of the object remain constant on the earth, moon and the sun? क्या ये ऑब्जेक्ट का जो वेट आप निकाल रहे हो ये अर्थ के कोई भी सिचुएशन में, कहीं भी आप प्लेस में जाओगे तो सेम रहेगा, या फिर ये वेट जो है सन या मून या अर्थ पे है? जितना आया है उतना ही सन और मून पे रहेगा। चलिए इसको समझते हैं। ये डेफिनेटली डिफरेंट रहेगा। व्हाई? बिकॉज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, दिस वैल्यू इज फिक्स फॉर अर्थ, बट ऑन मून दिस वैल्यू विल चेंज, ऑन सन दिस वैल्यू विल चेंज, हेंस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून और ऑन सन इज डिफरेंट। वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ यू हैव टू डू एक्टिविटी, फाइंड आउट द मास ऑफ मासेस ऑफ 3 ऑफ योर क्लासमेट, कैलकुलेट एंड फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम बाय अर्थ। How will the force exerted on them change if they were taken to the moon?
आपके किसी तीन क्लासमेट का आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास, एंड कैलकुलेट एंड फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड ऑन देम बाय अर्थ, और अर्थ फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उनके ऊपर कैसे एक्ट कर रहा है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। एंड मून पे आप जाते हो तो क्या ये फोर्स चेंज हो जाएगा, और होता है तो कितना चेंज होगा। डेफिनेटली इट विल चेंज। देन नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यू माइट हैव सीन अ चाइल्ड और अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ थिक रोप इन अ फेयर और समवेयर नियर योर हाउस। ये चीज़ आप अक्सर किसी फेयर में जाते हो, मेला में जाते हो, तो आप देखे होंगे एक छोटा सा बच्चा एक पतली सी रोप पे एक लकड़ी को लेके क्या कर रहा है, बैलेंसिंग करके चल रहा है। हाउ डज दैट पर्सन बैलेंस हिमसेल्फ ऑन दैट रोप। वो कैसे बैलेंस करता है। व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोप ही स्प्रेड बोथ ऑफ हिज हैंड और टेक सपोर्ट फ्रॉम हॉरिजेंटल स्टिक इन हिज हैंड। और उस आपने देखा होगा कि वो बच्चा जब रोप पे चल रहा है तो उसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी रहती है और वो अपने हाथ फैला के उस लकड़ी को पकड़ के चलता है। ये कैसे होता होगा। या फिर कैन यू गेट अप फ्रॉम अ चेयर विदाउट बेंडिंग। सिट कंफर्टेबली ऑन अ चेयर एंड नाउ विदाउट बेंडिंग योर लेग ट्राई टू गेट अप फ्रॉम द चेयर। आप चेयर पे पहले कंफर्टेबली बैठ जाओ और फिर अपने लेग्स को बिना बेंड किए, बिना मोड़े आप उठ पाओगे, नहीं तो क्यों। ट्राई टू बैलेंस अ लॉन्ग बैम्बू स्टिक ऑन योर पाम। अपनी हथेली पे बैम्बू स्टिक को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। इन विच सिचुएशन इज दिस पॉसिबल। हियर वील इंट्रोड्यूस यू द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यही सब चीज़ें क्यों हो रही है इसको समझने के लिए अब हम समझते हैं व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। द एवरेज और बैलेंस पोजिशन ऑफ अ वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द एवरेज और बैलेंस्ड पोजिशन ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो वेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, एवरेज और बैलेंस पोजीशन, उसको बैलेंस जहाँ पे वो हो जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस पॉइंट वेयर द टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी कंसंट्रेटेड। जहाँ पे आपकी बॉडी का पूरा होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहाँ पे अपनी पूरी बॉडी का मास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट है, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट्स सी। टेक अ मीटर स्केल। नाउ यूजिंग योर इंडेक्स फिंगर ट्राई टू बैलेंस इट हॉरिजेंटली एट डिफरेंट पॉइंट। आपको अपना मीटर स्केल लेना है और आपका इंडेक्स फिंगर से आपको उसको बैलेंस करना है। आप अलग अलग जगहों पे रखोगे तो वो बैलेंस नहीं हो जाएगा, बट जब आप एग्जैक्टली एट द मिडल रखोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग फिक्स शेप at its center, the complete weight of the scale is considered to be concentrated at that point. और जिस point पर वो scale balance हो गया उस point को हम बोलेंगे center of gravity. Center of gravity क्या होता है, इसका एक जो भी body का mass है वो पूरा concentrate हो जाता है उस point पर, at the center. The complete weight of the scale is considered to be concentrated at that point. By just giving support to that particular point, the complete scale can be supported. और आपने क्या किया, exactly center में जब उस scale को एक index finger से balance किया तो वहाँ पर उस scale का पूरा mass जो है concentrate हुआ है और उस point को just आपने एक support दे दिया, जिसकी वजह से आपकी scale क्या हो गई, पूरी तरह से balance हो गई। We can easily find the center of gravity of an object by balancing it. The small arrow shown in the figure represent the gravitational force acting on the scale. The sum of all the forces is equivalent to the resultant force at the center of gravity. आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसके ऊपर जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो जहाँ पे कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे आपका स्केल क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा।
दैट पॉइंट वी कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. द कंप्लीट वेट ऑफ द स्केल इज कंसंट्रेटेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड द सिंगल फोर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन बैलेंसेस आउट द मीटर स्केल. आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन. आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड. बट इस फोर्स को पूरी तरह से आपके फोर्स ने बैलेंस कर दिया और वो स्केल क्या हो गई, आसानी से बैलेंस हो गई. इसलिए उस पॉइंट को हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इसी तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करके उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं. हाउ कैन वी फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. हम किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इज राइट बिलो इट्स सस्पेंशन पॉइंट. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, फ्रीली सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट जो कि हवा में झूलता हुआ ऑब्जेक्ट है उसका कहाँ होगा, इज राइट बिलो इट्स सस्पेंशन पॉइंट. जहाँ से वो लटक रहा है उसी सस्पेंशन पॉइंट के ठीक नीचे उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. इफ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज ड्रॉन देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वुड लाई समवेयर ऑन दिस लाइन. अब यहाँ पे देखो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने सस्पेंड किया है इस किले से. तो जहाँ पे उसको सस्पेंड किया है वहीं से आप सीधा लाइन खींचोगे नीचे तक तो उसी पे आपको क्या मिलेगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी. टू नो इट्स एग्जैक्ट पोजिशन सस्पेंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम अदर पॉइंट एंड ड्रॉ अनदर वर्टिकल लाइन. द पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ दिस टू लाइन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, और दूसरी जगह से उस ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करोगे, वहाँ से सीधा लाइन खींचोगे. यहाँ पे इन्होंने तीन जगह से सस्पेंड किया है और तीन लाइन ड्रॉ की, जहाँ पे वो कोइंसाइड हो रही है वहाँ वो ऑब्जेक्ट वो उस पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सिमिलरली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ रोप इज राइट इन हिज सेंटर. उसी तरह से जो छोटा बच्चा उस रोप पे चल रहा था उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे था, इन इज राइट इन हिज सेंटर, उसकी सेंटर में. बाई टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम अ लॉन्ग वुडन स्टिक ही ट्राइज टू शिफ्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड टूवर्ड हिज नी और लेग सो दैट ही कैन ईजिली वॉक ऑन द रोप. और वो क्या कर रहा था, उस लकड़ी के डंडे को हाथ में पकड़ के हाथ फैला के वो क्या कर रहा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट कर रहा था. कहाँ पे, डाउनवर्ड टूवर्ड्स हिज नी और लेग, अपनी लेग की तरफ शिफ्ट कर रहा था ताकि वो आसानी से उस रस्सी से चल सके, उस रस्सी पे चल सके. टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिंग. रिंग का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, कहाँ होगा. आपको वैसे ही उसको सस्पेंड करना पड़ेगा अलग अलग जगह से और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे वो लाइन कोइंसाइड होगी वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. स्टेबिलिटी. इट इज़ एसेंशियल टू नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर स्टेबिलिटी. Draw a line vertically downward from the point of center of gravity for any object having any shape. If the line lies within the base of the object, then the object will remain stable. Stability, उस center of gravity को आप support करोगे तो वो object stable होना चाहिए. तो ये stability आपको attend करनी है या उस object की find out करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकालनी पड़ेगी और वो देखनी पड़ेगी कि वो लाइन उसकी बेस में है कि नहीं. यदि उस ऑब्जेक्ट के बेस तक जाती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. बट इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बेस, और यदि वो आउटसाइड द बेस जाती है तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं होगा. चेंज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स इफेक्ट. ये देखो यहाँ पे फिगर ए में क्या दिया है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया है. और सेकंड पोजीशन में देखो उसका है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ जा रहा है, सीधा बेस में. तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया. और यहाँ पे देखोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे चेंज हो गया, जो सामने था ये क्या हो गया, थोड़ा सा
आगे आ गया। द टचिंग यूअर टो, ट्राई डूइंग द सेम वाइल स्टैंडिंग क्लोज टू द वॉल, आप दीवार से एकदम क्लोज हो। ये सेकेंड वाला जो बच्चा है वो क्या है, एकदम दीवार से क्लोज खड़ा हुआ है, तो उस वो वहाँ झुक नहीं पा रहा है, अपने टो को टच नहीं कर पा रहा है, और ये दीवार से थोड़ा दूर है तो वो क्या कर रहा है, अपने टो को आसानी से टच कर रहा है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला, उस बच्चे के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका लाइन खींचोगे तो वो बेस तक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दीवार से एकदम चिपका हुआ खड़ा है, इसलिए उसका जो टो है उसको वो टच नहीं कर पाया। बट यहाँ पे क्या हो गया कि उस बच्चे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन सीधा खींचे तो बेस तक आया, और वो बच्चा क्या हो गया, आसानी से अपने टो को टच कर पाया। और ये क्यों हुआ, वो क्योंकि दीवार से वो थोड़ा सा कैसे था, दूर खड़ा था, बट बी वाला बच्चा जो है वो दीवार से एकदम पास खड़ा हुआ था, तो इसलिए वो क्या हो नहीं पाया, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो अप्लाई फोर्स हो रहा है वहाँ उसको बैलेंस नहीं कर पाया, इसलिए वो अपने टो को टच नहीं कर पाया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, यू रीड दिस चैप्टर particular this part and what is center of gravity, what is stability. I think the point is clear to you. Thank you.